अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी प्रॉन्स बिरयानी, जो कि बहुत फेवरेट होगी प्रॉन्स लवर की, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं, 8 to 10 क्लोव्स गार्लिक जिसको मैंने चॉप कर लिया, 2 ग्रीन चिलीज इनको भी मैंने चॉप कर लिया, और 2 मीडियम साइज़ टोमेटोज, मेरे पास फ्रोज़न टोमेटोज थे इनको भी मैंने चॉप कर लिया, 1/2 kg राइस, कप में ये 2 भरे मग हैं, प्रॉन्स इनको मैंने नमक काले मिर्च और हल्दी लगा के मैरिनेट कर लिया। मसालों में हमें चाहिए नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून क्रश चिली और हल्दी पिंच। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। आप प्याज फ्राई करके सेपरेट कर लेंगे, तो मैं प्याज को फ्राई करूँगी बहुत स्लो फ्लेम पे, ताकि प्याज हमारे क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ऑयल हो गया हमारा गरम, इसमें मैंने डाल दिए प्याज। अब इनको हम 10 मिनट्स के लिए, या जब तक इनमें कलर नहीं आता, इनको स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपने इनका फ्लेम स्लो रखना है और इनमें कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना, ताकि प्याज में इक्वली कलर आए, सब प्याजों का कलर एक जैसा हो, प्याज जले नहीं और प्याज क्रिस्पी भी हो। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसमें कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि आपके प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने देगची को रखा गरम करने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये वाला 1 स्पून ऑयल। ऑयल में मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन को मैं करूँगी 2 मिनट के लिए फ्राई। लहसुन हो गया हमारा थोड़ा सा फ्राई। अब इसमें मैं डाल दूंगी चॉप टोमेटोस। और इन चॉप टोमेटोस के साथ मैं डाल दूंगी सारे मसाले। गरम मसाला नहीं डालूंगी, गरम मसाले के अलावा बाकी सब मसाले मैं डाल दूंगी। नमक, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, हल्दी, इसमें मैं अभी सूखा धनिया और गरम मसाला नहीं डालूंगी, वो मैं एंड में डालूंगी। लहसुन और प्याज को कर लिया मैंने फ्राई 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्रॉन्स और इनको भी इस मसाले में मिक्स कर लूंगी। जब ये प्रॉन्स थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो तब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर पाउडर और एंड पे डालूंगी गरम मसाला। प्रॉन्स को कर लिया मैंने 3 to 4 मिनट फ्राई। अब इसमें मैं डाल दूंगी कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और ग्रीन चिलीज। ये रेडी हो गई है हमारी प्रॉन्स करी। अब इसको मैं चावलों, बिरयानी के चावलों के अंदर लेयर लगाऊंगी। चावलों का जो पानी है हमारा वो बॉयल होने लगे, इसमें मैं डाल रही हूँ मिंट लीव। थ्री टू फोर टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें ऑयल, ताकि जो हमारे चावल हैं वो चिपके नहीं। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल। चावल मेरे पास सैला चावल है, तो मैंने उनको 2 आवर्स के लिए सोक किया। अगर आपके पास बासमती राइस है तो आप उनको कम सोक कर सकते हैं, लेकिन सैला राइस को आप एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए सोक करें। चावलों का पानी हो गया हमारा बॉयल, इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। आपने चावलों को फुल डन नहीं करना, आपके चावल थोड़े से कच्चे होने चाहिए बिरयानी के लिए। आप चावलों को 3rd 4th पकाएंगे।
और इन चावलों में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब ये चावल जब बॉईल हो जाएंगे तो इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। बिरयानी के लेयर्स में डालने के लिए हमें चाहिए फ्राई प्याज, एक मीडियम साइज़ की टोमेटो जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, ग्रीन चिलीज, एक ग्रीन चिली है जिसको मैंने चॉप कर लिया, बहुत बड़े साइज़ की ग्रीन चिली थी, और ये कुछ लेमन स्लाइसेस, थोड़ा सा दूध है जिसको मैंने गर्म किया और इसमें मैंने डाली है ज़ाफ़रान ताकि ज़ाफ़रान मिक्स हो जाए। बॉयल चावलों के ऊपर मैंने डाली है ये प्रॉन्स करी और करी को मैंने इक्वली स्प्रेड कर दिया। इसमें मैं डालूंगी फ्राई प्याज, टमाटर, लेमन स्लाइसेस, थोड़ी सी हरी मिर्च और ये ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को मैंने गरम दूध में मिक्स कर लिया था, दूध हल्का सा नीम गरम था, उसमें मैंने ज़ाफ़रान डाल के मिक्स कर दिया। अब मैं इन सारी लेयर्स को करूँगी रिपीट। जो प्रॉन्स हैं वो मैंने सिर्फ सेंटर लेयर में डाले हैं, सबसे नीचे हैं चावल, उसके ऊपर से प्रॉन करी, उसके ऊपर फिर से मैंने डाले हैं चावल, ये टोमेटो क्यूब्स, फ्राई अनियन, लेमन और ज़ाफ़रान। अब हम लोग इसको 10 से 15 मिनट चावलों को रखेंगे दम पे, उसके बाद आपके चावल हो जाएंगे रेडी। बिरयानी को लग चुका है हमारी दम, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी ज़बरदस्ती प्रॉन्स बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें, इंशाल्लाह आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। प्रॉन्स बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया और इसको मैंने गार्निश किया है मिंट के साथ। एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।